दुनिया खरीद रही भारत का बनाया हथियार। हथियारों के लिए लाइन में लगे कई दिन। जी हाँ, अब वाकई ये हो रहा है जब भारत हथियार बना रहा है और उस हथियार को खरीदने के लिए कई देश लाइन में लगे हुए हैं। दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियार खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत जैसे जैसे रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। एक वक्त था जब हम दुनिया के कई देशों से हथियारों को खरीदते थे, लेकिन अब जो वक्त आया है वो बदल चुका है और अब भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है, क्योंकि भारत के बनाए हथियार अब दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारत की बनाई आकाश मिसाइल को कई देश खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसमें फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र जैसे कई देश शामिल हैं और आर्मेनिया तो आकाश मिसाइल को खरीद भी चुका है। आर्मेनिया भारत की स्वदेशी मिसाइल आकाश की खरीद को लेकर पहले ही 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के ऑर्डर बुक कर चुका है, जिसके बाद अब आर्मेनिया को आकाश मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। यानी अब ये कहा जा सकता है कि एक समय में भारत जहां दुनिया से हथियार खरीदने के मामले में काफी आगे था, वहीं अब दुनिया को हथियार बेचने में भी आगे बढ़ रहा है, जो दिखाता है कि भारत अब कितना मजबूत हो रहा है। और भारत की आकाश मिसाइल ने ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियार कितने दमदार हैं, जिसकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। तो चलिए अब आपको आकाश मिसाइल की खासियत बताते हैं, क्योंकि इसकी ताकत और खासियत इतनी है कि दुनिया इसकी मुरीद हो रही है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO की ओर से बनाया गया है। आकाश मिसाइल भारत की पहचान है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। आकाश मिसाइल 96% स्वदेशी तरीके से बनाई गई है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। 2015 में इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक में आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद अब दूसरे देशों को आकाश मिसाइल दी जा रही है। क्योंकि इसकी ताकत दुनिया के कई देशों को पसंद आ रही है, इसलिए आकाश मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और हाल ही में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर DRDO ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें भारत ने हाल ही में आकाश मिसाइल की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था। भारत ने एक ही आकाश फायरिंग यूनिट के जरिए 4 हवाई लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साधा था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना जिसने भारत की ताकत को दुनिया को दिखाया। DRDO ने वीडियो जारी कर बताया कि कैसे आकाश की एक यूनिट पर तैनात मिसाइलों ने 4 टारगेट को तबाह कर दिया। इस एक्सरसाइज के वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 हवाई ड्रोन हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सटीक तरीके से इन 4 लक्ष्यों को मिसाइल मार गिराती है, जिसे दुनिया के कई देशों ने देखा और इसकी तारीफ भी की। तभी तो भारत इन मिसाइलों को दुनिया खरीदना चाहती है और भारत भी चाहता है कि इनको दुनिया के कई देश खरीदें ताकि इनका निर्यात हो सके। इसलिए रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए दुनिया भर में भारत तेजी से काम कर रहा है, ताकि भारत में बने हथियारों को दूसरे देशों में बेचा जा सके। रक्षा अधिकारियों को देशी रक्षा उपकरणों के निर्यात पर फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा रक्षा उपकरणों को निर्यात करने के लिए जिन देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, उनके साथ रणनीतिक संबंध सुधारने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि भारत और आगे बढ़ सके। इस समय भारत रक्षा सामग्री कई देशों को निर्यात कर रहा है, जिसमें कतर, लेबनान, इराक, जापान के साथ कई देश शामिल हैं। इन देशों को भारत बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण निर्यात कर रहा है और कई देशों को भी भारत रक्षा उपकरण को देने का प्लान बना रहा है, ताकि निर्यात आगे आने वाले दिनों में बढ़ सके। और यही वजह रही कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा और भारत में बने रक्षा उपकरणों को दूसरे देशों में बेचा गया, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने कई रक्षा उपकरणों को बनाया, जिसके बाद इसको निर्यात भी किया और दुनिया के कई देशों ने इसे पसंद किया, जिस वजह से भारत का निर्यात पिछले सालों में काफी बढ़ा, जिसका एक आंकड़ा भी सामने आया, जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 2016-17 में 1,521 करोड़ रुपए था, 2017-18 में 4,682 करोड़ रुपए हो गया,
2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए हुआ, 2019-20 में 9,115 करोड़ तक जा पहुंचा, 2020-21 में 8,434 करोड़, 2021-22 में 12,814 करोड़ हुआ और 2022-23 में 15,920 करोड़ तक का ये आंकड़ा छू गया। यानी लगभग 8 साल पहले तक आयातक के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत आज रक्षा उपकरणों और यहां तक कि मिसाइलों का भी निर्यात कर रहा है, जिनमें डॉरियर 228, 155 एमएम एडवांस टूल, आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्म्स व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, एम्युनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम और स्मॉल आर्म्स जैसे रक्षा उपकरण शामिल बताए जा रहे हैं। और दुनिया में तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग भी बढ़ने लगी है, जिससे यह समझा जा सकता है कि अब भारत दुनिया में कैसे मजबूत हो रहा है। और आकाश मिसाइल ने भी ये साबित कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ी है, इससे समझा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब दुनिया में सबसे आगे होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।